जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं राजीव राय आपके अपने YouTube चैनल से। आज बिहार पुलिस का लास्ट बैच है और इनका 5 अप्रैल को फिजिकल है इनका। तो आज सभी भाई का सिंगल रनिंग हुई और टेस्ट हुआ और वीडियो नहीं बन पाया, तो आज इन सभी भाइयों से जानते हैं कि इनका रनिंग टाइम कितना लगा। और इन सभी भाई को दिखाइए, टाइमिंग सही बताया ना? यस सर। ज्यादा टाइम नहीं बताया ना? नहीं सर। लेकिन तो समय मतलब सिंगल लड़के थे तो वीडियो नहीं बना पाए, तो सभी भाई से जानते हैं कि इनका रनिंग टाइम कितना लगा, रियल टाइम कितना लगा और यहाँ पे वर्कआउट क्या चल रहा है 7-8 दिन से, आप भी सुनिए। तो जिसका इसका टाइम बताया गया होगा वो बैठते जाएंगे, है ना? कितना टाइम लगा आपका? 5 मिनट 4 सेकंड। बैठिए। आपका? 5 मिनट 6 सेकंड। बैठिए। आपका? 5:15। बैठिए। 5:16। बैठिए। 5:21। 5:21। बैठिए। तेज बोलिए थोड़ा। 5:26। बैठिए। 5:27। बैठिए। 5:35। बैठिए। 5:30। बैठिए। 5:16। बैठिए। 5:30। बैठिए। 5:27। बैठिए। 5:33। बैठिए। 5:33। बैठिए। 5:48। बैठिए। तो सभी भाई का टाइम सुन लिए आप, और मैं 2-3 भाइयों से परिचय करवाता हूँ कि यहाँ का ट्रेनिंग कैसे चल रही है और यहाँ का जो जैसे भर्ती बच गया 7-8 दिन तो यहाँ पे ये सब वर्कआउट क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हर्षु, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले भाई? आरा। थोड़ा तेज बोलिए कि भाइयों को सुनाई दे, और मतलब सच बोलना बिल्कुल, है ना? आप मेरे से कितने दिन से जुड़े हैं? 2 महीना हो गया। 2 महीना, करेक्ट। तो आपको किसने बताया कि हिंदुस्तान फिजिकल एकेडमी में जाना है? मैंने यहाँ पर देखा सर, बहुत हार्ड ट्रेनिंग हो रहा था, किसी में जाना मेरा टाइम टूटेगा। अच्छा, मतलब आप इसी ग्राउंड पर दौड़ते थे? ग्राउंड पर दौड़ते। ग्राउंड दिखा दीजिए, ग्राउंड दिखा दीजिए, 400 मीटर का अपना ट्रैक दिखा दीजिए। एकदम पूरा मक्खन ग्राउंड है। जैन कॉलेज आ रहा है, ये हमारा जो ग्राउंड है, जैन कॉलेज आरा में प्रेजेंट है। तो आज आपका टाइमिंग कितना लगा? 5:16 सर। 5:16, तो 5:16 मार के आप कितना खुश हैं? हो जा सर, जब हम पहली बार आए थे 6:05 लगा था। 6:05 या 7:00 कुछ लगा था। और उसके बाद कभी आपने सपने भी या हकीकत में सोचा था कि मेरा 5:15 टाइमिंग आएगा? कभी नहीं सर, कभी नहीं आएगा। तो भाइयों क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट है, मेरा पिछले साल रिजल्ट था बिहार पुलिस में, मेरा दौड़ नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिला था, कहीं घर पे दौड़ते रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। इस बार आए फिर भी अकेले दौड़ रहे थे, फिर देखे कि सर बहुत हार्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम हिंदुस्तान फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन किए, आज मेरा 5:16 आ गया, इस बार लग रहा है एकदम पूरा मेरिट बनेगा। जैसे आपका 2 दिन भर्ती बच गया, तो क्या वर्कआउट हो रही है एकेडमी में? डेली 1600 और 400 मीटर का शूट लग जाता है। और जिस दिन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले क्या होता था वो भी बताइए। 10 दिन पहले हार्ड ज़्यादा लॉन्ग 50 राउंड, उसके पहले रेपिटेशन। और तो आपका हाई जंप कितना हो रहा है? 5 फीट। और गोलाई भी तो ये होगा 90 नंबर। 90 नंबर आया, कोई शक है? नहीं सर, भगवान और मैं मालिक से दुआ करूँगा, आप जल्दी वर्दी में चाहिए, भूल मत जाना। चलिए सल सर मल सर आ जाइए आप, चलिए दिल से भाई के लिए ताली बजा दीजिए। कोई लड़का बोला कि मतलब हमारे ग्रुप में कोई लड़का बोला तुमको आने के लिए कि अपने मन से है, या फिर मैं आपको बुलाया पकड़ के लाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर देख रहे थे कि आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे थे, हमको लगा कि वहाँ से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो आज आपका टाइमिंग कितना लगा है? 5:15। 5:15। तो आप सभी भाइयों क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जिसका भी आगे का जो एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, फायरमैन जैसे मदनी सैद, ये सब GP का रिजल्ट आया है, तो ये सब बच्चा आकर इसमें दौड़े, हिंदुस्तान फिजिकल एकेडमी में अपना भविष्य बनाए। चलिए तो आप आइए। सबसे पहले इनका पेट देखिए, पेट दिखाइए। पेट वेट कितना आप में? पेट दिखाइए, देखिए पेट। 70 kg सर। 70 kg सर। आप मेरे से कितने दिन जुड़े हैं? 25 दिन। 25 दिन। किसने बोला कि आप यहाँ पे चले? सर हमारे एक दोस्त ने बोला, इसके बाद सर आपका वीडियो हम मोबाइल पे देखते थे। और ट्रेनिंग चार्ज कितना दिया? 1000। और बाकी सर आपसे बात किए थे? बात किए थे। तो आज आपका टाइमिंग फर्स्ट टाइम कितना लगा था आपका? सब जब पहले आए थे तो हमारा 6:20 का लगा। और आज? आज हमारा 5:35। खुश है कि नहीं आप इतना 70 kg वेट लेके, पेट लेके, चार हाई जंप, मतलब हाई जंप के लिए आप रो रहे थे? जी सर। कितने दिन में सिखाया मैंने आपको? सर 2-3 दिन में। दो तीन दिन में। और गोला भी जा रहा है? गोला ठीक। तो क्या कहना चाहेंगे सभी भाइयों को? पर
हर किसी को अगर मेहनत करना है, अगर सफलता पानी है, तो हिंदुस्तान फिजिकल एकेडमी में आए और अपने सपनों को साकार करें। आपका भी हो जाएगा ना, बस ऐसे ही दौड़ने वापस है ना। तो अगर आप भी अपने रनिंग बनाना चाहते हैं तो एक बार आप भी आइए और जांचिए और पड़तालिए हिंदुस्तान फिजिकल एकेडमी में, जो कि आरा के जैन कॉलेज में हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो एक बार आप भी आइए, विश्वास करके आइए। अगर पहले एडमिशन नहीं करवाना है तो एक दिन आप आइए और देखिए यहाँ पे यहाँ के लड़के वर्कआउट क्या करते हैं और इनका टाइमिंग क्यों कम लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है भाई, दल्ले और दलालों से सावधान। किसे? दल्ले और दलालों से सावधान। ये भोसड़ी वाले चुतिया तुमको बना रहे हो, कुछ नहीं करवा सकते। मान लो आपकी रनिंग 40 और 30 की रनिंग है और ओबीसी कैटेगरी है, तो अपने ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो दल्ले और दलाल सावधान। कौन कौन दलाल के पास है, हाथ ऊपर करो। ये देख लीजिए लड़के, कोई भी दलाल के थ्रू नहीं है और ये इतना मेहनत कर रहे हैं कि मतलब इनका 40, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक लड़का है जो 50 नंबर मार सकता है। और यहाँ पे 40 और 30 वाले ज़्यादा हैं, और 20 वाला में एक है अविनाश बाबू, मतलब 10-15 दिन से। इधर आओ, चलिए मालिक और भगवान से दुआ करना है कि भाई का दौड़ निकल जाए ना। एक यही लड़का है जो 20 सबसे कमज़ोर हमारे ग्रुप का जो रनिंग है इन्हीं का है, और ये इसलिए इनका है क्योंकि 15 दिन में उठे हैं, 15 दिन में उठ गए हैं तभी, और फिर भी 5:48 मार रहे हैं। तो भगवान और मालिक से दुआ करूँगा तो हो जाएगा ना। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि अभी आप आइए हिंदुस्तान फिजिकल एकेडमी में और मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। तो आप भी कहीं डॉक्यूमेंट दिए हैं दलाल थ्रू है ना? हम दलाल रिजल्ट के लिए लगाए थे। रिजल्ट के लगाए थे, फिजिकल के लिए ना? फिजिकल के लिए नहीं लगाए। एकदम सही हो जाएगा आपका। तो सबसे बड़ी बात है कि दलाल से दूर रहे। बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो आप एक अच्छा ट्रेनर बनिए, दलाल ना बने, है ना। और आप कहीं भी जाना और अपने भाइयों को भेजना, एक अच्छे ट्रेनर के पास भेजना, है ना। अगर आपको लग रही है मेरी अच्छी ट्रेनिंग तो मेरे पास भेजना, अगर नहीं लग रही है। बहुत सारी एकेडमी है बिहार में, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भारत माता की जय।